तीसरे चरण के मतदान की खबर लेकर के हाजिर हुआ हूँ मैं दीपक कुथेकर। मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षमता न्यूज। बीजेपी के लिए तीसरा चरण का मतदान इसलिए भी अहम है क्योंकि बीजेपी के गढ़ यानी गुजरात की सभी 26 सीटों पर भी इसी चरण में वोटिंग है, जहां से केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी आते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिहाज से तीसरा फेज काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि उसे अपने ही सीटों पर बचाने पर संघर्ष करना होगा। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के मुताबिक तीसरे फेज में 7 मई को वोटिंग होनी है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 95 सीटों पर कुल 1352 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस फेज में बीजेपी के 82 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 68 कैंडिडेट उतरे हैं। इसके अलावा बसपा के 79 और सपा के 9 उम्मीदवार हैं। 650 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो 440 अन्य दलों के कैंडिडेट हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात यह है कि पहले दो चरणों में पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब धुआंधार प्रचार करना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी लगातार 4 रैलियां करके पार्टी के लिए वोट मांगना शुरू कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग से पहले पीएम मोदी जी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जमकर प्रचार किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटों पर वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के अंतर्गत वोटिंग वाले राज्यों की बात करें तो असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव की 2, गोवा की 2, गुजरात की 26 सीटें, जम्मू कश्मीर की 14, मध्य प्रदेश की 9 सीट, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और मध्य प्रदेश से बात करें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़। छत्तीसगढ़ से सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव 7 मई को ही होंगे। लोकप्रिय प्रसिद्ध इन नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। जो बीजेपी से अमित शाह गांधीनगर से हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मंडाविया पोरबंदर, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और राजवीर सिंह एटा से। समाजवादी पार्टी की बात करें तो आदित्य बाबू बदायूं से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, डिंपल यादव मैनपुरी से और एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए तीसरा चरण और सियासी वजूद को बचाए रखने का चुनाव है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार तक कांग्रेस का सफाया हो गया था। गुजरात में पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाना यह एक कांग्रेस के लिए चुनौती है। मध्य प्रदेश से लेकर बाकी सभी राज्यों में सीटें कम होते जा रही है। कांग्रेस 10 सालों में 27 सीटों से घटकर 4 सीट पर पहुंच गई है। मोदी लहर में कांग्रेस दहाई के अंक में नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कांग्रेस को इस बार के चुनाव में काफी उम्मीदें हैं। दोस्तों देखते रहिए हमारा ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।